मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद रे आसी एक नुआ ट्विस्ट। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाइकोर्ट आड़ झटका, हिंदू पक्ष दाबी को शुणा योग्य ग्रहण करते कोर्ट। अंपक्ष मुस्लिम पक्षर आवेदन को कोर्ट खारज कर। एबे ट्रायल कोर्ट रे चलो मामलार शुणा। कोर्ट हिंदू पक्ष दायर कर 18 आवेदन को एका संगे शुण। विचारपति मयंक कुमार जैन का सिंगल बेंच फैसला शुणाई। हिंदू पक्षर दाबी होई छी जे शाही ईदगार अढ़ई एकर मस्जिद नुहे, यह श्रीकृष्ण जन्मभूमि गर्भगृह। अंपटे मुस्लिम पक्षर जुक्ति 1968 बुझामणा अनुजाई मस्जिद पर जगह दि जाइए 60 वर्ष पर बुझामण को भूल कह ठीक नुहे। हिंदू पक्ष का आवेदन शुणा योग्य नुहे कपटे हाइकोर्ट का उभय पक्षर जुक्ति और तथ्य प्रमाण देवापर मुस्लिम पक्ष का आवेदन को खारज कर। अगस्ट 12 में हिंदू पक्ष दायर कर 18 आवेदन में एका सांगे शुणा हो एकदा स्पष्ट हो सारी, कि मुस्लिम पक्षर जो दाबी रही से दाबी को कोर्ट मना कले शुणा योग्य कोर्टे शुणा योग्य दाबी ये नुहे, तेणु स्पष्ट भाव खारज कर दिगला। कितु हिंदू पक्षर जो दाबी रही श्रीकृष्ण गर्भगृह ये जन्मर गर्भगृह ये अच्छी, तेणु ए दाबी को शुणापी रखाला। एवं कौन दाबी करुं हिंदू पक्ष तापर टे नजर पकेबा देखिए चाहिए कौन दाबी कर हिंदू पक्ष। एक्चुअली कौन दाबी रही हिंदू पक्षर, हिंदू पक्षर दाबी भितर प्रथम कथा यह मथुरार मंदिर मस्जिद पूरा बिवाद 13.37 एकर जमी को नहीं रही। जो 13.37 एकर पाखापाखि 11 एकर जमि में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण अच्छी, 2.37 एकर जमि में ईदगाह मस्जिद निर्माण होते। आवेदन मस्जिद को हटाई मंदिर को यही जगह देवा दाबी कर हिंदू पक्षर। हिंदू पक्ष का दाबी मस्जिद रे श्रीकृष्ण मंदिर गर्भगृह अच्छी। अच्छा 1968 जमी को नहीं होता बुझामणा जहाँ रद्द करने दाबी कर दाबी को नहीं वर्तमान विवाद। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में अंतिम फैसला एपर्यंत आसीनी, किंतु मुसलमान पक्ष को लगी बड़ झटका। मुस्लिम पक्षर आवेदन को खारज कर देते इलाहाबाद हाइकोर्ट, यह शुणा योग्य नुहे कहते आउ कौन कहते कोर्ट देख। कृष्ण जन्मभूमि भर्सेस शाही ईदगाह विवाद मामला मुस्लिम पक्षर आवेदन को खारज कले हाइकोर्ट। हिंदू पक्षर 18 आवेदन हेबो एका सांगरे शुणाणी। ईदगाह गर्भगृह को नहीं हिंदू मुस्लिम बिवाद। मथुरास्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि बिवादर अंतिम फैसला आसी, किंतु मुसलमान पक्ष को लगी बड़ झटका। मुस्लिम पक्षर आवेदन को खारज कर देते इलाहाबाद हाइकोर्ट। शुणाणी योग्य नुहे कोर्ट। मुसलमान पक्षर 15 आवेदन उपरे शुणा मना कर देछन्ते हाइकोर्ट। हिंदू पक्षर आवेदन उपरे शुणाणी हेबो बोली स्पष्ट करछन्ते हाइकोर्ट। विचारपति मयंक कुमार जैन को नहीं गठित हाइकोर्टर जणिकिया खंडपीठ एभली निर्देश देछन्ते। हाइकोर्टर एभली राय पर सुप्रीम कोर्ट जिबा को फैसला नहींछन्ते मुस्लिम पक्ष। जो विपक्षी की जो यानी कि मुस्लिम पक्ष की 7/11 की जो एप्लीकेशनें थी उसमें ये प्ली ली थी उन्होंने कि हमारा सूट जो है जो मुस्लिम हिंदू पक्ष का सूट है श्री कृष्ण जन्मभूमि का वो 5 पॉइंटों से बार्ड है। उसमें सबसे पहला पॉइंट था लिमिटेशन एक्ट से बार्ड है, दूसरा पॉइंट था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, तीसरा वक्फ एक्ट से बार्ड के प्रावधानों से बार्ड है, चौथा ऑर्डर 23 रूल 3 है CPC के प्रावधानों से बार्ड है, और सबसे आखिरी जो उन्होंने प्ली ली थी वो स्पेसिफिकली एक्ट के प्रावधानों से बार्ड है। तो कोर्ट ने आज 2 बजे वही फैसला डिलीवर किया है। उसमें ये कहा है कि जो हम लोगों का सूट है श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से जो सूट फाइल हुआ है वो किसी भी प्रावधानों से बार्ड नहीं है, चलने लायक है और आगे चलेगा। आगे नेक्स्ट डेट इसमें लगाई है चाहे 14 अगस्त की, इसमें फैक्ट इन इशू वो बनेंगे। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो मुस्लिम पक्ष ने जो शाहिदगाह मसाजिद कमेटी की तरफ से जो डाला गया था ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत कि जो हिंदू पक्ष का सारे जो सूट हैं वो बार्ड बाय द लॉ हैं, मतलब कि लॉ के अनुसार वो चलने योग्य नहीं हैं। उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट CPC से लेके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सारी बात करी थी उन्होंने अपने प्लीडिंग में। तो बहरहाल आज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस पर रोक रेस्ट करते हुए उस मामले को उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और हिंदू पक्ष के एप्लीकेशन को कहा कि ठीक है अब ये आगे बढ़ेगा, मेंटेनेबल है और 12 अगस्त के बाद इसमें इशू फ्रेम होगा जो कि आमतौर पर सिविल सूट में इशू फ्रेम होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफ़ी डिटेल सुनवाई हुई है
और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7-11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे, साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर जमीन में थिबा 2.5 एकर जमी जेउठी की शाही ईदगाह निर्माण होईछि, एहारे तले ही प्रभु श्रीकृष्ण जन्मभूमि गर्भगृह रहीछि। हिंदू पक्षर कोर्टरे एने आवेदन होईतला, तेबे प्लेसेस ऑफ कोर्टशिप एक्ट को नहीं मुसलमान पक्ष मामला रुजू करने सहित यह बलवत्तर रखा मुसलमान पक्ष दावी करते। 1968 बुझाणा अनुसार से ही स्थान को मस्जिद निर्माण पर दी मुसलमान पक्ष जुक्ति रखिते, तेणु हिंदू पक्षर आवेदन शुणाणी योग्य नुहे बोली मुस्लिम पक्ष। हाइकोर्ट दुई पक्षर वकिलों जुक्ति शुणा पर मुस्लिम पक्षर दलिल को ग्रहण कर 2020 मसीहा सेप्टेम्बर 25 तारीख में प्रथम मामला रुजु सहित दीर्घ 4 मास शुणाणी होता। हिंदू पक्षर दाखल 18 आवेदन में ईदगाह कमिटर वकिल यह चैलेंज करते। मथुरा कोर्ट में दाखल होता हिंदू पक्षर आवेदन शुणाणी योग्य नुहे बोली मुसलमान पक्ष। मामला पूजास्थल अधिनियम 1991 आक्टर उल्लंघन बोली मुसलमान पक्ष, एथिपाई कौन से आवेदन शुणाणी योग्य नुहे कोर्ट को दर्शाई मुसलमान पक्ष। तेज हिंदू पक्षर वकिल कहते यह मामलें ना पूजास्थल अधिनियम किंवा वाकफ बोर्ड कानून लागू हो, कारण साही ईदगाह परिसर होउछि श्रीकृष्ण जन्मभूमि जमी। बुझामणा अनुसार मंदिर जमी ईदगाह को दिजाइवर यह नियम खिलाफ बोली कहते हिंदू पक्ष। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया, इतिहास रचने वाला फैसला आया है। 355 साल बाद सनातन धर्म की जीत हुई है। मेरे संतों ने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी थी, मेरे पूज्य पूर्वजों ने कैसे लड़ाई लड़ी थी, यह दिन हमें देखने को मिला है। हमारा सौभाग्य है कि माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष से जो 7-11 की प्रार्थना पत्र के मुकदमा नहीं चलना चाहिए उनके साथ उनसे साक्ष्य मांगे गए, इस संपत्ति का एक भी कागज सिंगल नहीं दे पाए। हिंदू पक्ष ने, मंदिर पक्ष की ओर से हम लोगों ने बिजली का बिल, टंकी का बिल, वहाँ फर्जी इनका रजिस्ट्रेशन साबित किया, इनके खिलाफ बिजली का कनेक्शन कटवाने का मुकदमा दर्ज कराया, टंकी का कटवाया और तमाम चीजें वहाँ पूजा हमने करके साबित कर दिया यह संपत्ति हिंदुओं की है। वर्तमान मामलार ट्रायल चलिबो जहाद्वारा हिंदू पक्ष को तथ्य रखा सुजोग मिले। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज। बर्तमान टे बुझे चेस्टा करवा कौन रही मुस्लिम पक्ष का दाबी, मुस्लिम पक्ष कौन दाबी करके नजर पक। मुस्लिम पक्ष का दाबी हूँ या जे जन्मभूमि ईदगाह विवाद इतिहास 350 वर्ष पुराना इतिहास और जेहेत बड़े दिल्ली में औरंगजेब का शासन चलूला से समय कथा और सेत 1670 मथुरा श्रीकृष्ण जन्मस्थान भांगा को निर्देश देते औरंगजेब। यापर एठार शांति ईदगाह निर्माण होता से समय औरंगजेब समय 51 श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट गठन है 1951 1953 ट्रस्ट अर्थ में मंदिर निर्माण काम आरंभ होता 1958 मंदिर निर्माण काम शेष है। इस सब भितर जन्मभूमि ईदगाह विवाद 1958 आउ एक संस्था गठन होता जो संस्था भंगा जाए पुनः गोटे संस्था गठन कराला श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एक या 1968 यह संस्था मुस्लिम पक्ष सहित बुझामणा कर गोटे डील है जे 13.37 एकर जमीर मंदिर और मस्जिद उभय जे तो मस्जिद में या सकता श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बुझाणा को मानवाक मना कर 2022 सिविल लॉ ईदगाह अमीन द्वारा सर्वे पर निर्देश दी जाता है। एवं हिंदू पक्ष मस्जिद हटेबा को दावी कर मस्जिद रही है ये हूँ दावी। मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जुक्ति बाढ़ जहाँ कोर्ट से जो जुक्ति बाढ़ुंट से जुक्ति को ग्रहण करवा मुड रे नहांती कोर्ट तबे जा भी आगू को अपेक्षा रही घटना को मोड़ नौ नुआ मोड़ नौ